स्वागत है दोस्तों आपका एनके क्लासेस में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि टी सेक्शन में हम शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सो आज हम देखने जा रहे हैं कि हमारा जो टी सेक्शन होता है उसमें जो आपका शेयर स्ट्रेस होता है वो किस तरीके से वेरी करता है अलोंग दी डेप्थ। सो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन अज्यूम कर रहे हैं, सो कंसिडर करके हम इजिली देख सकेंगे कि कैसे उसका वेरिएशन होता है ओवर दी डेप्थ। सो यहाँ पे हमारे पास एक टी सेक्शन है जिसमें फ्लेंज की जो विड्थ है वो 100 mm है, उसकी डेप्थ जो है वो 20 mm है। वो जो वेव होता है उसकी जो आपके पास डेप्थ गिवन है वो आपको गिवन है 80 mm। सो ये आपका वेव की जो डेप्थ है वो कितनी गिवन है आपको 80 mm गिवन है नाउ, और उसकी जो थिकनेस है वो कितनी गिवन है आपको 20 mm गिवन है। तो जो उसका वेरिएशन होता है वो इस तरीके से होता है, जहां पे जो आपकी न्यूट्रल एक्सिस होती है वहां पे आपको क्या है टाउ मैक्स मिलता है। अब यहाँ पे जब जॉइंट है फ्लेंज और वेब का वहां पे आपका जो विड्थ है वो चेंज होती है, और हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई बी। तो यहाँ पे जब विड्थ चेंज होगी तो आपका जो शेयर स्ट्रेस है वो भी चेंज होगा। तो जब हम फ्लेंज के लिए निकालेंगे तो विड्थ 100 mm कंसिडर करेंगे, और जब हम वेब के लिए निकालेंगे तो विड्थ कितनी कंसिडर करेंगे 20 mm। तो उसके कारण जो हमारा शेयर स्ट्रेस है वो भी उसी पॉइंट पे चेंज होगा। मीन्स एक ही पॉइंट पे हमको दो बार शेयर स्ट्रेस निकालना पड़ेगा, एक बार 100 mm डेप्थ पे निकालना पड़ेगा और एक बार हमको 20 mm डेप्थ पे निकालना पड़ेगा। सो सबसे पहले जब हम शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं आई सेक्शन या टी सेक्शन का, तो जो हमारी फर्स्ट स्टेप होती है उसमें हमको न्यूट्रल एक्सिस निकालना पड़ती है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। सो यहाँ पे हमारे पास कितने रेक्टेंगुलर हो जाएंगे गाइस, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। तो हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर हम A1 निकालेंगे तो कितना जाएगा 100 × 20 डेट इज 2000 mm स्क्योर। अगर Y1 निकालेंगे तो ऊपर से कितना जाएगा ये 10 mm, तो यहाँ पे कितना जाएगा ये 10 mm। A2 अगर निकालते हैं तो A2 कितना हो जाएगा हमारा इसके लिए 80 × 20, तो यह आ जाएगा आपका 1600 mm स्क्योर। और आपका Y2 कितना आएगा गाइस, देखिए ये आपका 20 हो जाएगा, 20 प्लस 40, तो आपका Y2 कितना आ जाएगा 60, तो ये आ गया आपके पास 60 mm। तो हम सारी वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2000 × 10 प्लस 1600 × 60 डिवाइडेड बाय 2000 प्लस 1600। तो यहाँ पे आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 32.22 mm। सो ऊपर से वो कितना आ गया गाइस आपके पास, यहाँ पे हम इसको लोकेट कर देते हैं 32.22 mm। तो ये आपने कहां से निकाला है, टॉप फ्लेंज से निकाला। सो इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम टॉप फ्लेंज। नाउ अब हम जितने भी हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट पे फिर न्यूट्रल एक्सिस पे, फिर लास्ट जो टॉप एज है वहां पे हम क्या निकालेंगे शियर स्ट्रेस। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहां पे हमारे पास जो है शियर स्ट्रेस एट द टॉप एज ऑफ द फ्लेंज एंड बॉटम ऑफ द वेब। तो यहां पे क्या होता है आपका जीरो होता है, जो टॉप फ्लेंज है और जो बॉटम वेब है वहां पे आपका जो शियर स्ट्रेस है वो क्या होगा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं उसको जीरो, क्योंकि हम ये देख चुके हैं सर्कुलर सेक्शन में और रेक्टेंगुलर सेक्शन में भी कि जो टॉप एज होता है और बॉटम एज होता है वहां पे आपका जो शियर स्ट्रेस है वो जीरो होता है, क्योंकि वहां पे जो वाई की वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा और यहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा। नाउ अब हमको निकालना है जॉइंट पे जो फ्लेंज है और वेब है उसके जॉइंट पे हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए अब हम सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं सेकेंड
सेकेंड कंसिडर कर लेंगे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन दी फ्लेंज. सो सेकेंड है हमारे पास शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन दी फ्लेंज. सो ये आइए आपके पास फॉर्मूला अपन लिख लेते हैं एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई बी. इसमें आपके पास शेयर फोर्स गिवन है क्वेश्चन में 50 किलो न्यूटन. आई आपके पास गिवन है क्वेश्चन में, आई हमारे पास क्वेश्चन में कितना गिवन है गाइस 314.221 × 10⁴ mm³. ये हमारे पास आई गिवन है. जब हम फ्लेंज के लिए निकाल रहे हैं तो हमारे पास बी कितना हो जाएगा 100 mm. सो सिंपली हमको क्या निकालना है ए वाई बार. सो ए वाई बार क्या होगा देखिए, जब भी हम फ्लेंज के लिए निकालेंगे तो ये हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा और न्यूट्रल एक्सिस से इसका जो सी जी है वो हमारा क्या हो जाएगा वाई बार आ जाएगा. तो जो भी हमारा निकला है 32.22 इसमें हम क्या माइनस कर देंगे इसका सी जी, तो इसका सी जी कितना निकलेगा आपके पास 10, तो इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे 10 और इसका हम एरिया लिख देंगे. सो एरिया ऑफ फ्लेंज कितना है आपके पास देखिए 100 × 20 × ये आपका एरिया निकल गया. वाई बार हमने कैसे निकाला वही 2.22 माइनस उसका जो सी जी आएगा, सी जी कितना आएगा 20/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2000 × 22.22. तो इसकी वैल्यू हमारे पास ए वाई बार की वैल्यू आ गई. डायरेक्ट हम पुट कर देंगे सो ये आ जाएगा हमारे पास 50, इसको न्यूटन में लिख लेंगे जो शेयर फोर्स है उसको, फिर ए वाई बार की वैल्यू रख देंगे इंटू 22.22 डिवाइडेड बाय आपके पास आई गिवन है इंटू 10⁴ इंटू इसमें जो बी है वो कितना रखेंगे हम 100, तो ये आपके पास टाउ आ जाएगा डायरेक्ट 7.07 newton/mm². सो ये आपके पास क्या आ गया शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन दी फ्लेंज. अब थर्ड हम निकाल सकते हैं शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन वेव. सो उसी पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं तो उसी पॉइंट पे आपका सब सेम ही रहेगा, बस बी आपका कितना हो जाएगा जो उसकी जो वेव की विड्थ है वो, तो वहां पे कितना है वो 20, तो हम वहां पे कितना रख देंगे बी कितना रख देंगे हम 20 mm, बाकी सब सेम रहेगा. तो हमारा जो फॉर्मूला है एफ ए वाई बार, तो उसमें हम एफ की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू रख देंगे, वाई बार की वैल्यू रख देंगे डिवाइडेड बाय आई गिवन है हमको और बी कितना हो जाएगा आपके पास 20. तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 35.55 newton/mm². तो ये आपने फ्लेंज पे निकाल लिया और उसी पॉइंट पे आपने वेव पे निकाल लिया. नाउ थर्ड हमारे पास क्या है, जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है वहां पे निकालना है जो कि आपका क्या आता है मैक्सिमम आता है, और यहीं पे हमको समझना होता है कि वो किस कहां पे कैसे निकलेगा. सो शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस, तो ये हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट. तो यहां पे आपका बी कितना रहेगा 20 mm, क्योंकि जब न्यूट्रल एक्सिस है वो वेव में है, तो वेव में है तो उसके लिए विड्थ कितनी, ये न्यूट्रल एक्सिस है तो बी कितना है आपके पास 20 mm. नाउ अब हमको ये ऊपर का जितना भी एरिया है न्यूट्रल एक्सिस से वो हमको कंसिडर करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आपका जब एरिया आप निकालोगे तो दो रेक्टेंगुलर है तो आपको डिफिकल्टी आएगी, तो हम उसको अलग अलग कंसिडर करेंगे. मीन्स इसको हम ए वाई बार अलग निकालेंगे और इसके लिए हम ए वाई बार अलग निकालेंगे. तो इसके लिए तो हम निकाल ही चुके हैं, बस हमको ए वाई बार इसके लिए निकालना है, तो वो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं. सो हम लिखते हैं ए वाई बार इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ द अबव न्यूट्रल एक्सिस. सो ये कितना हो जाएगा आपका जो आपका फ्लेंज का है, मोमेंट ऑफ फ्लेंज प्लस मोमेंट ऑफ वेव, क्योंकि आपका दो है, एक फ्लेंज है और एक वेव है, तो दोनों के लिए अलग अलग निकलेगा. फ्लेंज के लिए तो गाइज हम निकाल ही चुके हैं 20 × 100 × 32.22 − 10, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं यहाँ पे, ये देखिए. अब हमको बस निकालना है किसके लिए, वेव के लिए. तो वेव के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे देख, वेव का जो एरिया है वो कैसे निकलेगा इधर देखिए,
ये आपका टोटल कितना है 32.22, और ये वाली वेट कितनी है, डेप्थ कितनी है 20, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाली आ जाएगी 12.22, और इसकी वेट कितनी है 20। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हम लिख सकते हैं 32.22 माइनस 20 इंटू 20 इंटू जो भी उसकी जो लेंथ होगी वो, तो ये हो जाएगी आपके पास 32.22 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि उसकी जो विड्थ होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 32.22 इंटू 20, आपकी डेप्थ हो गई, और सीजी कितना पाएगा उसका सेंटर पे, तो हम उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जब ये हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे देखिए, तो इसको हम पूरे को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 20 इंटू 100 इंटू ये आ गया आपका 12.22, सो इसकी वैल्यू आ गई, प्लस इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, सो ये आ गया आपके पास 12.22 इंटू 20 इंटू 12.22 डिवाइडेड बाय 2, तो इसके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 45933.284। सो इसकी वैल्यू आ गई। अब हम डायरेक्ट हमारा जो टाव इज इक्वल्स टू एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई बी उसमें रख देंगे। एफ हमारे पास है, एफ है हमारे पास कितना 50,000 इंटू ए वाई बार हमने निकाल लिया है 0.284 डिवाइडेड बाय आई हमारे पास है 314.221 इंटू 10 की पावर 4 इंटू बी कितना रखेंगे हम 20 जो उसके लिए है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 36.55 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये हमने जितना भी हमारे पास पॉइंट्स थे उसमें हमने सबकी वैल्यूज निकाल लिए। अब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये आपके पास आई 7.07, ये वाली वैल्यू आपके पास आई 35.35, और ये जो हमने टाउ मैक्स अभी निकाली वो आई आपके पास 36.55 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई गाइस। तो डायरेक्ट हम इस तरीके से जो हमारा टी सेक्शन है उसमें हम आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ए वाई बार क्या होता है कि जो भी आप न्यूट्रल एक्सिस से उस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो वहां से ऊपर का जितना भी एरिया होता है वो आपका ए हो जाता है, और वाई बार क्या होता है उस एरिया की जो सीजी होती है वहां से न्यूट्रल एक्सिस तक की जो डिस्टेंस होती है वो आपका क्या हो जाता है वाई बार हो जाता है। तो अगर हम मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस पे ही निकाल रहे हैं तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जितना भी एरिया है वो हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और उसकी जो सीजी होती है उस एरिया की वहां से न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ होती है वो आपका क्या हो जाएगा वाई बार हो जाएगा, तो वही हमको निकालना होता है। तो इस तरीके से हम शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं टी सेक्शन में। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।